वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. आप सब बहुत अच्छे से होंगे, अपना काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख रहे होंगे. कैसे हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. सो गाइज, फेस को क्लेंस करने के लिए हम सब फेस वॉशेस का यूज़ तो करते ही हैं, बट क्या आप जानते हैं कि कौन सा फेस वॉश आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बेस्ट है, कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके लिए बेस्ट हैं? अपने लिए जब भी आप फेस वॉश लेते हैं तो आपको किन चीज़ों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ. साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से हैं मेरे 3 अटमोस्ट फेवरेट फेस वॉश. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट डज फेस वॉश डू टू योर स्किन. फेस वॉश आपकी स्किन के लिए क्या काम करता है? फेस वॉश दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्लेंजिंग का काम करता है, आपकी स्किन को डीप क्लीन करने का, आपकी स्किन को प्यूरीफाई करने का काम करता है. कहीं से भी आपको वो स्किन लाइटनिंग ब्राइटनिंग के बेनिफिट्स नहीं दे सकता है. आप ये नहीं सोच सकते कि हम ऐसा फेस वॉश लें जिससे हमारी स्किन लाइटन हो जाएगी, जिससे हमारी स्किन ब्राइट लगने लगेगी. ये काम फेस वॉश का नहीं है. फेस वॉश सिर्फ और सिर्फ एक जेंटल माइल्ड क्लेंजिंग प्रोवाइड करता है. अब फेस वॉश लेते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अपने लिए फेस वॉश सिलेक्ट करते हैं. सबसे पहले तो अपना स्किन टाइप जानिए. आपको अपना स्किन टाइप पता होना चाहिए कि कैसा टेक्सचर है आपकी स्किन का, वेदर इट इज़ ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, उसके हिसाब से आपको फेस वॉश सिलेक्ट करना है. सेकेंड पॉइंट है कि फेस वॉश में कोई भी पैराबेन, सल्फेट, सिलिकॉन नहीं होना चाहिए, ना आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस होनी चाहिए, ना आर्टिफिशियल स्मेल होनी चाहिए. कोई भी हार्श स्मेल वाला फेस वॉश आपको यूज़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि इंग्रेडिएंट लिस्ट को हमेशा चेक करें, कौन से इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट में हैं जो आपकी स्किन पे काम करने वाले हैं, आपकी स्किन को सूट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं. फॉर एग्जांपल, एलोवेरा अगर मेरी स्किन को सूट करता है तो मैं एलोवेरा फेस वॉश लूंगी. अगर आपकी स्किन को हनी सूट करता है तो आप हनी फेस वॉश लेंगे. कहने का मतलब ये है कि इंग्रेडिएंट्स जरूर चेक करिए फेस वॉश लेने से पहले. एंड माई लास्ट पॉइंट वुड बी कि अफोर्डेबल फेस वॉश हो तो क्या कहने. अफोर्डेबल रेंज में अगर आपको अच्छे फेस वॉशेस मिल रहे हैं तो उसी का सिलेक्शन करिए, क्योंकि फेस वॉश का काम होता है सिर्फ और सिर्फ क्लेंजिंग करना, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है. अब बात करते हैं माई टॉप 3 फेवरेट फेस वॉशेस. सो माई करंट अटमोस्ट फेवरेट फेस वॉश इज नन अदर दैन सिंपल फेस वॉश. इसे मैंने रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया गाइस, अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 मंथ्स हो चुके हैं. दिस इज माई सेकेंड परचेज. आई कॉन्ट टेल यू हाउ गुड इट इज़. सबसे माइल्डेस्ट एवर फेस वॉश है जो मैंने अभी तक ट्राई किया होगा. आज तक जितने भी फेस वॉश यूज़ किए हों सबसे माइल्डेस्ट मुझे यही लगा. सबसे पहली बात, दिस इज़ फॉर सेंसिटिव स्किन. मेरी स्किन भी सेंसिटिव है. पहले कभी ऑयली हुआ करती थी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी स्किन हो चुकी है सेंसिटिव, तो मुझे हर कोई सूट नहीं करता है. दिस इज 100% सोप फ्री, तो ये आपकी स्किन पे माइल्ड एंड जेंटल रहने वाला है. इट हैज नो आर्टिफिशियल परफ्यूम और कलर, नो हार्श केमिकल्स दैट कैन अपसेट योर स्किन, नो सोप, नो एल्कोहल, नो मिनरल ऑयल्स, नो एनिमल डिराइव्ड. 100% वेगन है, नेचुरल है, सोप फ्री है और एक बहुत अच्छा सा रिफ्रेशिंग इफेक्ट देता है आपकी स्किन को. और इसका प्राइस है 375 रुपीज, बट वर्थ इट. बहुत ही अच्छा फेस वॉश है, जब आप यूज करेंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगा. सो दिस इज माई करंट फेवरेट. द नेक्स्ट फेस वॉश दैट आई लव इज फ्रॉम द ब्रांड बायोटिक. दिस इज बायोटिक्स बायो हनी जेल फेस वॉश. इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स. तो इसकी सबसे अच्छी बात तो यही है कि ये ऑल स्किन टाइप्स है, आयुर्वेदिक रेसिपी से बना हुआ है, 100% बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स है. इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि टर्मरिक हो गया, एलोवेरा हो गया, हनी हो गया. इसके इंग्रेडिएंट्स हैं अर्जुन बार्क यानी अर्जुन की छाल, नीम बार्क, रीठा फ्रूट पल्प, अनानास फ्रूट, मधु एंड प्योरीफाइड वाटर. आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट से बना है तो आपकी स्किन पे कोई भी हार्श इफेक्ट नहीं करने वाला है. आपकी स्किन पे काफी ज्यादा जेंटल रहेगा. एंड आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स की वजह से ही मैंने इसे परचेज किया था. इट इज ऑर्गेनिकली प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड फॉर सेफ्टी एंड नो एनिमल टेस्टिंग. सो दिस इज माई सेकेंड फेवरेट फेस वॉश, बायोटिक्स हनी जेल. एंड टॉकिंग अबाउट द थर्ड फेवरेट फेस वॉश इज दिस निविया'स मिल्क डिलाइट. दिस इज फॉर ड्राई स्किन. निविया का ये फेस वॉश ड्राई स्किन के लिए है. इसमें और भी वेरिएंट्स अवेलेबल है फॉर ऑयली स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन, जैसे कि मिल्क डिलाइट है, टर्मरिक फॉर एक्ने प्रोन स्किन, रोज फॉर सेंसिटिव स्किन, बेसन फॉर ऑयली स्किन एंड सैफ्रन फॉर नॉर्मल स्किन. तो आप इसमें दूसरे वेरिएंट्स भी ले सकते हैं. निविया है तो ट्रस्टेड है. ये आपकी स्किन को जेंटली क्लेंस तो करता ही है, साथ ही साथ नरिश भी करता है. अपार्ट फ्रॉम दीज 3 गाइज, आई लव द सेटाफिल फेस वॉश फॉर सेंसिटिव स्किन टू. वो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, बट उसमें एक ही बात है कि उसमें पैराबेन्स है. पैराबेन्स हमेशा खराब नहीं होते हैं, ये भी आपको बता दूं. ये आपकी चॉइस है कि आपको उसे यूज करना है कि नहीं करना है. सो गाइस, दीज वर माय फेवरेट फेस वॉशेस. आप लोगों ने पूछा था कि कौन सा फेस वॉश बढ़िया रहता है, कौन सा हमें लेना चाहिए अफोर्डेबल रेंज में. सो यू कैन चेक देम आउट आर फ्रॉम माय हॉल स्टोर. आपको हॉल स्टोर का परचेज लिंक मिल जाएगा नीचे, आप वहां से चेक कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं. एंड लेट मी नो योर फीडबैक. आपका कौन सा फेवरेट फेस वॉश है, आप कौन सा फेस वॉश यूज करते हैं, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आज का ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो अगर आपको पसंद आया है, डू लाइक दिस वीडियो,
शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल विद द बेल आइकन. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.